सो हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो पे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपटीशन लेवल के डीजे सेटअप के बारे में, जो कि गई सर काफ़ी सर्वेलों का भर भर के कमेंट आ रहा था कि हम भी एक कंपटीशन लेवल का डीजे सेटअप बनाना चाहते हैं। हमारे पास 5 लाख 6 लाख का बजट है, हम एक हैवी वाटेज का डीजे सेटअप बनाना चाहते हैं। तो गई सर, आज की इस वीडियो में कम्प्लीट आप लोगों को मालूम चलेगा कि अगर आप लोग कंपटीशन लेवल का डीजे सेटअप बनाते हैं तो आप लोगों को कितने वाटेज का बेस स्पीकर लगाना चाहिए ड्यूअल बेस के अंदर, और कौन सा कंपनी का लगाइएगा तो अच्छा क्वालिटी का पंच वाइब्रेशन मिलेगा। साथ ही गई सर, बेस स्पीकर कितने इंची वॉइस कॉइल का लेना चाहिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है ताकि आप लोगों के सेटअप में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन मिले। तो कंपटीशन लेवल के डीजे सेटअप बनाने में बेस को चलाने के लिए कौन सा परफेक्ट एम्पलीफायर रहेगा ताकि तगड़ा वाला पंच वाइब्रेशन दे सके, और गई सर हैवी वाटेज के टॉप को चलाने के लिए कौन सा बेहतरीन क्वालिटी का एम्पलीफायर रहेगा ताकि हमारे सेटअप में लॉन्ग टाइम तक भी चले तो उसके अंदर कोई भी दिक्कत ना हो। साथ ही सर, कंपटीशन लेवल का सेटअप बनाने में कितना कॉस्टली प्राइस लगता है, अगर हम 4 ड्यूअल बेस का सेटअप बना रहे हैं और 4 टॉप का, तो कितना हमें कॉस्टली प्राइस लग जाएगा। साथ ही सर, 4 ड्यूअल बेस और 4 टॉप को हम कैसे कनेक्शन करेंगे, ये भी आज की इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PSTJ ब्लॉग नंबर 1 में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। गाइस, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही आप लोग मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर आईडी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सर, कंपटीशन लेवल का 4 टॉप और 4 ड्यूअल बेस का सेटअप बनाने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप के कैबिनेट और ड्यूअल बेस के कैबिनेट के बारे में। तो गाइस सर, यहाँ पर आप लोग JBL मॉडल का 15 इंची का टॉप कैबिनेट ले सकते हैं, जो कि गाइस सर JBL मॉडल का कैबिनेट काफ़ी ज़्यादा मार्केट में फेमस है। बहुत सारे साउंड सिस्टम वाले भाई लोग JBL मॉडल का कैबिनेट 15 इंची के लिए यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के भी होते हैं। तो गाइस सर, अगर आप लोग JBL मॉडल का कैबिनेट लेते हैं तो एक पेयर का प्राइस 16,000 से 17,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा, जो कि गाइस सर इससे कम प्राइस का अगर आप लोग कैबिनेट लेते हैं तो वहाँ पर जो कैबिनेट रहेगा बिल्कुल ही बेकार क्वालिटी का मिलेगा। उसके अंदर अगर आप लोग स्पीकर हैवी डालेंगे तो आप पे कैबिनेट में झंझनाहट आप लोगों को सुनने को मिलेगा। तो गाइस सर, अगर आप लोग एक कंपटीशन लेवल का सेटअप बना रहे हैं तो वहां पे आप लोगों को कैबिनेट भी काफी ज्यादा हेवी और मजबूत लेना पड़ेगा। तो गाइस सर, यहां पर हम 2 पेयर का कैबिनेट लेंगे, जो कि यहां पर 4 कैबिनेट मेरा और जाएगा, तो चारों कैबिनेट को लेने में इजिली आप लोगों को 32,000 रुपया अप्रोक्सीमेटली खर्चा करना पड़ेगा। तो इतने प्राइस रेंज में आप लोगों का 4 कैबिनेट कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइस सर, यहां पर हम बात करेंगे कि कैबिनेट के अंदर हम कौन सा कंपनी का स्पीकर डालेंगे और कितने वाटेज का डालेंगे। तो गाइस सर, यहाँ पर हम एडियोटोन का 15 इंची का मिड बेस वाला स्पीकर यूज़ करने वाले हैं, जिसका मॉडल नंबर AD15X1830ES देखने को मिल जाएगा, जो कि गाइस सर ये एडियोटोन का काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का स्पीकर है। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इस वाले स्पीकर का डिमांड है, जो कि इस स्पीकर का पावर रेटिंग आप लोगों को 800 वाटेज RMS में देखने को मिल जाएगा। साथ ही गाइस सर, इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स 45 हर्ट्ज़ से 2.8 kHz तक देखने को मिल जाएगा, और इसका सेंसिविटी 100 dB है। इस वाले स्पीकर का वॉइस कॉइल का साइज 4 इंची में देखने को मिल जाएगा, जो कि इन साइड और आउटसाइड कॉपर वाइंडिंग का है, तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। इस वाले स्पीकर का इम्पीडेंस आप लोगों को 8 ओम देखने को मिल जाएगा, और इसका नेट वेट 12 kg 400 ग्राम है, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी वजन का ये स्पीकर हो जाता है। तो गई सर, ये 800 वाट्स का एडियोटोन का स्पीकर है, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट बजेगा और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के टॉप में अच्छे क्वालिटी के मिड और यहाँ पर बेस भी इस वाले स्पीकर के द्वारा सुनने को मिल जाएगा। बात करेंगे इस वाले स्पीकर के प्राइस के बारे में, तो इसका प्राइस मार्केट में 9,000 से 9,500 के बीच में देखने को मिल जाएगा, जो कि इतने प्राइस रेंज में आप लोग एडियोटोन का यहाँ पर 800 वाट्स का स्पीकर ले पाएंगे, 15 इंची का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो गई सर, इस टाइप के हमें 8 स्पीकर लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम 4 टॉप कंप्लीट करने वाले हैं, तो एक टॉप के अंदर 2 इस टाइप के स्पीकर लगते हैं, प्लस में HF भी लगता है। तो गई सर, यहाँ पर हम एडियोटोन का HF ड्राइवर यूज करेंगे, जिसका मॉडल नंबर AD561XLS देखने को मिल जाएगा, जो कि गई सर ये एडियोटोन का काफी बेहतरीन क्वालिटी का 100 वाट्स का HF ड्राइवर है, जो कि काफी मस्त काम करेगा। 2 इंची इसका डायफ्राम कॉइल होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे क्वालिटी के HF ये होते हैं। इसका प्राइस मार्केट में 3,500 से 4,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा, जो कि इतने प्राइस रेंज में आप लोग एडियोटोन का 100 वाट्स का HF ड्राइवर ले पाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब गाइस सर, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इस टाइप के एक टॉप को कंप्लीट करने में हमें कितना कॉस्टली प्राइस लग जाएगा। 2 स्पीकर डालकर एडियोटोन का 800 वाट्स का, प्लस में HF डालकर, प्लस में कैबिनेट का, तो गाइस सर एक टॉप को कंप्लीट करने में इजिली आप लोगों को 29,500 से 30,500 रुपये के बीच में अप्रोक्सीमेटली आप लोगों का प्राइस बैठेगा, जो कि इतने प्राइस रेंज में आप लोग एडियोटोन का 800 वाट्स
वाट के स्पीकर प्लस में 100 वाट का HF डालकर यानी 1700 वाट का आप लोग का टफ हो जाएगा और फोरम इम्पीडेंस करेगा, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी वाट का टफ हो जाता है, जो कि कंपटीशन के लिए इस टाइप के टॉप काफ़ी ज़्यादा बेटर होते हैं। तो गाइस सर आप लोग प्राइस कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आप लोगों को चार टॉप को बनाने में कितना प्राइस लगेगा। अब गाइस सर यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमें डुअल बेस भी लेना है, तो गाइस सर डुअल बेस आप लोग JBL मॉडल का 18 इंची का डुअल बेस कैबिनेट ले पाएंगे, जो कि वन पेयर का प्राइस 18,000 से 19,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस सर यहाँ पर डुअल बेस के लिए भी कैबिनेट आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैवी लेना होगा, जो कि JBL मॉडल में काफ़ी सारे भाई लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर इसे कम प्राइस कर लीजिएगा, 12,000-13,000 वाला कैबिनेट आप लोग पेयर वाला, तो वहाँ पर बिल्कुल ही आप लोगों का लोकल क्वालिटी का मिल जाएगा। क्योंकि गाइस सर अगर आप लोग डुअल बेस का कैबिनेट स्ट्रॉन्ग लेंगे तभी आप लोग उसके अंदर हैवी वाटर्स का स्पीकर डाल पाएंगे। क्योंकि गाइस अगर आप लोगों का हैवी बेस चाहिए तो वहाँ पे कैबिनेट भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, इससे भी और प्राइस में जा सकते हैं। लेकिन गाइस सर ये मीडियम क्लास का काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का इतने प्राइस में कैबिनेट मिल जाता है, जो कि 18,000 से 19,000 के बीच में एक पेयर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को दो पेयर का कैबिनेट लेना होगा, जो कि 4 कैबिनेट डुअल बेस का लेना होगा, तो इजिली आप लोग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब गाइस सर यहाँ पर हम बात करेंगे कि डुअल बेस के अंदर हमें कौन सा कंपनी का और कितने वाट्स का स्पीकर डालना होगा। तो गाइस सर यहाँ पर हम आइडियाटोन का 18 इंची का बेस स्पीकर यूज करने वाले हैं, जिसका मॉडल नंबर AD1860ES देखने को मिल जाएगा, जो कि गाइस सर ये वाला आइडियाटोन का मॉडल स्पीकर काफी ज्यादा मार्केट में फेमस है। बहुत सारे साउंड सिस्टम वाले भाई लोग हेवी वाटेज का साउंड सिस्टम बनाने के लिए इस वाले स्पीकर को यूज करते हैं, ज्यादा पंच वाइब्रेशन लेने के लिए। जो कि इस वाले स्पीकर का पावर रेटिंग 2000 वाटेज देखने को मिल जाएगा और इसका प्रोग्रामिंग पावर 4000 वाटेज है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक स्पीकर 2000 वाटेज का है और एक डुअल बेस के अंदर इस टाइप के दो स्पीकर लगेंगे तो वो डुअल बेस कितना हेवी वाटेज का हो जाएगा। साथ ही गाइस सर इस वाले स्पीकर का वॉइस कॉइल का साइज 5 इंची में देखने को मिल जाएगा, जो कि इनसाइड और आउटसाइड है, तो ये स्पीकर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन देगा, क्योंकि 5 इंची इसका वॉइस कॉइल है, तो 5 इंची का वॉइस कॉइल का स्पीकर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करता है और अच्छा क्वालिटी का आप लोगों को पंच वाइब्रेशन सुनने को मिल जाएगा। साथ ही गाइस सर ये जो स्पीकर है एयरटोन इम्पीडेंस का देखने को मिल जाएगा, इसका सेंसिविटी 98 dB है और इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स 35 Hz से 2 kHz पर काम करेगा, जो कि काफ़ी दूर तक आप लोगों को बेस क्वालिटी सुनने को मिलेगा। इस वाले स्पीकर का नेट वेट 14 kg 500 ग्राम है, जो कि काफी ज्यादा हैवी वजन है। अगर गाइस सर हम बात करें इस वाले स्पीकर के प्राइस के बारे में, तो गाइस सर इस टाइप के स्पीकर का मार्केट में अप्रोक्सीमेटली प्राइस 14,000 से 15,000 के बीच में देखने को मिल सकता है, जो कि इतने प्राइस रेंज में आप लोग आइडियाटोन का 2000 वाट्स का स्पीकर ले पाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो गाइस सर अब हम बात कर लेते हैं कि एक डुअल बेस को कंप्लीट करने में कितना में कॉस्टली प्राइस लगेगा, जो कि कैबिनेट प्लस में इस टाइप के दो स्पीकर डालकर। तो गाइस सर एक डुअल बेस को कंप्लीट करने में इजिली आप लोगों को 38,000 से 40,000 के बीच में अप्रोक्सीमेटली प्राइस बैठेगा, जो कि इसके अंदर दो स्पीकर हैवी वाट्स के होंगे, जो कि 4000 वाट्स का एक डुअल बेस हो जाएगा और गाइस सर इसका इंपीडेंस फोरम हो जाएगा। तो गाइस सर 4000 वाट्स का मैं यहाँ पर 4 डुअल बेस यूज करने वाले हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना हाई पावर का ये वाला सेटअप बन के रेडी होने वाला है, जो कि आप लोगों को 4000 वाट्स का एक एक डुअल बेस देखने को मिल जाएगा। अब गाइस सर यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस टाइप के 4 डुअल बेस को चलाने के लिए और इस टाइप के 4 टॉप को चलाने के लिए हमें एक पावरफुल एम्पलीफायर लेना होगा, जो कि टॉप के लिए अलग एम्पलीफायर यूज करेंगे और बेस के लिए अलग हम एम्पलीफायर यूज करेंगे। तो गाइस सर टॉप के लिए जो हम एम्पलीफायर यूज करने वाले हैं वो ओजा का डुअल चैनल का पावर एम्पलीफायर रहेगा, जिसका मॉडल नंबर LX7600 देखने को मिल जाएगा, जो कि गाइस सर यह ओजा का सबसे पावरफुल एम्पलीफायर है, जो कि एम्पलीफायर काफी ज्यादा धासु है। गाइस सर अगर आप लोग एक एम्पलीफायर पे 4 टॉप चलाने के लिए कोई भी एम्पलीफायर ले रहे हैं तो काफी ज्यादा हैवी एम्पलीफायर लेना चाहिए, जो कि ट्रफ एंड टॉप चले, कोई भी दिक्कत ना हो। तो उसमें ओजा काफी ज्यादा माहिर एम्पलीफायर होता है, आप लोग ओजा का एम्पलीफायर यूज करते होंगे तो इजिली आप लोग को पता होगा कि ओजा एम्पलीफायर कैसे भी आप लोग यूज करेंगे तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होता है और लॉन्ग टाइम तक टिकाऊ भी रहता है। जो कि इस वाले एम्पलीफायर का 2 ओम पे पावर 3800 वाट्स दोनों चैनल पर देखने को मिल जाएगा। केवल मैं यहां पर 2 ओम का पावर बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर हमें 2 ओम पर ही चलाना है, जो कि एक चैनल पर 2 टॉप चलाएंगे। इस वाले एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर 400 है, जो कि टॉप के लिए काफी ज्यादा बेस्ट है और इसका नेट वेट 39 kg 500 ग्राम है, जो कि काफी ज्यादा हैवी वजन है। बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में, तो गाइस सर इस वाले एम्पलीफायर का मार्केट में अप्रोक्सीमेटली प्राइस 68,000 से 72,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा, जो कि इतने प्राइस रेंज में आप लोग ये वाला ओजा का 7600 वाट का एम्पलीफायर ले पाएंगे। चलिए गाइस सर यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि इस वाले एम्पलीफायर पे हम चारों टॉप को कैसे कनेक्शन करेंगे। तो गाइस सर यहाँ पर जो मेरा टॉप हो रहा है 1700 वाट का हो रहा है और गाइस सर यहाँ पर जो एम्पलीफायर लिए हैं ये 2 ओम पे 3800 वाट दे रहा है। तो गाइस सर जब हम एक साइड में 2 टॉप को पैरेलल में कनेक्शन करेंगे 17×2=3400 वाट हो जाएगा और जो उसका इम्पीडेंस रहेगा 4 ओम हो जाएगा 2 ओम। तो गाइस सर ये जो एम्पलीफायर है 2
ओम पे एक चैनल पर 3 वाटेज दे रहा है, तो 400-300 वाटेज 2 ओम पे हेड रूम ज़्यादा छोड़िएगा कंपटीशन लेवल के लिए डीजे सेटअप में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे भाई लोग यहीं पे कन्फ्यूज होंगे कि 400 वाटेज एक चैनल पे ज़्यादा है तो मेरे टॉप का स्पीकर जल जाएगा। नहीं जलेगा, ऐसा आप लोग नहीं सोचिएगा, क्योंकि जो स्पीकर है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप लोग कंपटीशन लेवल का सेटअप बना रहे हैं तो आप 2 ओम पे कोई भी एम्पलीफायर पे टॉप चला रहे हैं तो 200-400 वाटेज ज़्यादा रहेगा, तो आप लोगों का जो स्पीकर रहेगा प्रेशर के साथ बजेगा, नहीं आप लोगों का एम्पलीफायर हिट होगा और नहीं आप लोग का स्पीकर जलेगा, बहुत ही मस्त क्लास का आप लोगों को साउंड मिलेगा। तो गाइस सर, इसका सिंपल सा कनेक्शन है कि एक चैनल पे इस टाइप के दो टॉप को लगा देना है जो कि 3400 वाट के लोड देंगे और 3800 वाट दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और दूसरे चैनल पे इस टाइप के दो टॉप को कनेक्शन कर देना है, अच्छे क्वालिटी के आप लोगों को साउंड चारों टॉप से सुनने को मिल जाएगा और काफी दूर तक आप लोगों को मिड बेस इस वाले टॉप के द्वारा भी सुनने को मिलेगा। चलिए गाइस सर, हम बात कर लेते हैं कि बेस के लिए कौन सा एम्पलीफायर हम यूज करने वाले हैं। तो गाइस सर, यहां पर जो मेरा बेस हो रहा है काफी ज्यादा हैवी वाटेज का हो रहा है, तो गाइस सर बेस के लिए बेस एम्पलीफायर भी हमें लेना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग यहीं पे गलती कर देते हैं कि बेस तो हैवी वाटेज का बना लेते हैं लेकिन बेस के लिए एम्पलीफायर कौन सा होता है उनको पता ही नहीं होता है, और कोई भी एम्पलीफायर ले लेते हैं और उस पर बेस चलाने लगते हैं, फिर बोलते हैं कि मेरे सेटअप से बेस वैसा नहीं मिलता है जैसा दूसरे का सेटअप का बेस आता है। तो गाइस सर, बेस आप लोग हैवी वाटेज का बना रहे हैं तो बेस के लिए एम्पलीफायर भी अलग होता है जो कि काफी ज्यादा हाई डंपिंग फैक्टर वाला होता है। तो गाइस सर, यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेशन करूंगा कि आप लोग जीपर लैब्स का डुअल चैनल का पावर एम्पलीफायर यूज कीजिएगा, जिसका मॉडल नंबर Z8 देखने को मिल जाएगा, जो कि गाइस सर ये जो एम्पलीफायर है बेस के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है, जो कि इसका फोरम पे पावर 4000 वाटेज एक एक चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइस सर, ये एम्पलीफायर बेस के लिए काफी ज्यादा बेस्ट है, बहुत सारे भाई लोग यूज करते हैं, जो कि इसका डंपिंग फैक्टर 1000 देखने को मिल जाएगा, जो कि गाइस सर काफी मस्त एम्पलीफायर होता है। ये जो एम्पलीफायर होता है एक्स्ट्रा बेस पावर निकाल कर देता है, जो कि एम्पलीफायर केवल बेस चलाने के लिए ही बनाया गया है। इस वाले एम्पलीफायर के प्राइस के बारे में बात करेंगे तो इसका प्राइस 95,000 से 1,00,000 के बीच तक देखने को मिल जाएगा, हो सकता है कि आप लोगों के मार्केट में इसका प्राइस ऊपर नीचे भी देखने को मिल जाए। तो गई सर, इस टाइप के हम दो एम्पलीफायर को यूज करने वाले हैं, क्योंकि गई सर यहाँ पर 4000 वाट का 4 ड्यूअल बेस है, एक एम्पलीफायर पे 2 बेस चलेगा। कैसे यहाँ पर चलेगा आप लोग यहीं पे गौर से कनेक्शन समझिएगा, तेजिली समझ में आ जाएगा। गई सर, ये जो एम्पलीफायर है फोरम पे 4000 वाट एक एक चैनल पे निकाल कर दे रहा है, तो यहाँ पर जो मेरा ड्यूअल बेस हो रहा है 4000 वाट का हो रहा है, जिसका इंपोर्टेंस हमें फोरम देखने को मिल रहा है। तो गई सर, इसका सिंपल सा कनेक्शन है कि एक चैनल पे एक ड्यूअल बेस को कनेक्शन कर देना है और दूसरे चैनल पे एक ड्यूअल बेस को कनेक्शन कर देना है, यानी Z8 एम्पलीफायर पे एक पे 2 ड्यूअल बेस इस टाइप के चल पाएंगे एक एक चैनल पे। और इसी तरह का एक और आप लोगों का एम्पलीफायर लेना होगा, जो कि उस वाले एम्पलीफायर पे भी एक एक चैनल पे एक एक ड्यूअल बेस 4000 वाट के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो गई सर, 4000 वाट के 4 ड्यूअल बेस को चलाने के लिए Z8 एम्पलीफायर आप लोगों को 2 लेना होगा, तभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे क्वालिटी के पंच वाइब्रेशन मिल जाएंगे। अब गई सर, यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस टाइप के सेटअप को ऑडियो मिक्स करने के लिए हमें एक बेहतरीन क्वालिटी का ऑडियो मिक्सर भी लेना चाहिए। तो गई सर, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक मिक्सर है जो कि स्ट्रेंजर का ऑडियो मिक्सर है, जिसका मॉडल नंबर SXR6 देखने को मिल जाएगा, जो कि ये वाला मिक्सर काफ़ी ज़्यादा अभी फेमस है डीजे बजाने के लिए, कंपटीशन लेवल का काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ये वाला मिक्सर से रिस्पॉन्स मिल जाता है, जो कि मार्केट में इसका प्राइस 5,000 से 5,500 के बीच में पड़ जाएगा। आप लोग इसे अमेजोन से ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बट गई सर, इस वाले सेटअप के अंदर आप लोगों को क्रॉसओवर और स्टेपलर का भी यूज़ करना होगा, जो कि आप लोगों अलग से कोई भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब गई सर, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इस टाइप के इतने हैवी वाटेज का सेटअप को चलाने के लिए हमें क्या जनरेटर लेना पड़ेगा या डीजी सेट लेना होगा। तो गई सर, ये जो सेटअप बन रहा है 22,000 से 23,000 वाटेज का बन रहा है, तो गई सर 23,000 वाटेज का डीजे सेटअप को चलाने के लिए जनरेटर से बिल्कुल ही नहीं चलेगा, आप लोगों को ओपन डीजी सेट लेना होगा, जो कि इजिली आप लोग 30 KVA का ओपन डीजी सेट लीजिएगा तो आप लोगों को प्राइस में भी पड़ जाएगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा, जो कि आप लोग टाटा का भी ले सकते हैं 4 सिलेंडर का, या गई सर आप लोग महिंद्रा का भी ले सकते हैं, जो कि इजिली 1,90,000 से 2,00,000 के बीच में पड़ जाएगा, जो कि इतने प्राइस रेंज में आप लोग यहाँ पर ये 30 KVA का ओपन डीजी सेट ले सकते हैं, जो कि 30 KVA का लीजिएगा, तो इस टाइप के सेटअप को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। दोस्तों, आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। अगर आप लोग के मन में साउंड सिस्टम से रिलेटिव कोई भी सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कि सर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके पूछ सकते हैं, साथ ही आप लोग मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।